आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार, आप टीडी न्यूज पर टुडे स्पेशल देख रहे हैं और आज हम इस एपिसोड में बताएंगे कि चित्रगुप्त पूजा की व्रत कथा पौराणिक कहानी से जाने पाप दूर करने वाले व्रत का महत्व। जी हाँ, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। इस दिन कलम दवात सहित बही खातों की विधिवत पूजा करने से सारे पाप धुल जाते हैं और जातक को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। पूजा के दौरान कई मंत्र, स्त्रोत, स्तुति, आरती के अलावा व्रत कथा सुनने या पढ़ने को भी विधान है। तो चलिए इसकी कथा के जरिए चित्रगुप्त पूजा के महत्व को जान लेते हैं। किसी नगर में एक सौदास नामक राजा रहता था। वह कभी किसी का भला नहीं करता था, बल्कि वह एक अन्यायी और अत्याचारी राजा था। एक दिन वह अपने राज्य में भटक रहा था, तभी उसका सामना एक पूजा कर रहे ब्राह्मण से हुआ। ब्राह्मण को देख राजा की जिज्ञासा जागी और उसने पूछने लगा कि वह किस भगवान की पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण ने जवाब देते हुए कहा कि आज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन है, इसलिए मैं मृत्यु और धर्म के देवता यमराज और चित्रगुप्त की पूजा कर रहा हूँ। ब्राह्मण ने साथ में यह भी बताया कि इस पूजा से पाप कम होते हैं और नरक से मुक्ति मिलती है। ऐसा सुनकर सौदास ने भी अनुष्ठानों का पालन करते हुए पूजा करना शुरू कर दिया। राजा की मृत्यु के बाद जब उन्हें यमराज के पास ले जाया गया, तब भगवान चित्रगुप्त ने उनके कर्मों की जाँच की। फिर उन्होंने यमराज को सूचित किया कि इस राजा ने भले ही कई पाप किए हो, लेकिन उसने पूरी श्रद्धा के साथ यम का पूजा किया है, इसलिए राजा को नरक नहीं भेजा जा सकता। इस प्रकार राजा केवल एक दिन पूजा करके ही अपने सभी पापों से मुक्त हो गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। चित्रगुप्त महाराज की पूजा के दिन सफेद कागज पर श्री गणेशाय नमः और 11 बार ओम चित्रगुप्ताय नमः लिखकर भगवान जी के पास रख दें। इसके अलावा आप ओम नमः शिवाय और लक्ष्मी माता जी सदा सहाय भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ स्वास्तिक बनाकर विद्या, बुद्धि और लेखन का भगवान से आशीर्वाद मांगा जा सकता है। यह पूजा अर्चना खासकर भारत में कायस्थों के द्वारा किया जाता है, जो कि कलम दवात की पूजा करते हैं। तो फिलहाल आज के टुडे स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार।